हेलो एंड वेलकम टू IAS PSC सॉल्यूशन। मैं अभिमन्यु आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार का इतिहास पार्ट टू। और आज हम डिस्कशन करेंगे बिहार के इतिहास के कुछ एंशियंट पार्ट और कुछ मेडाइवल पार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाते जाऊंगा वो अपडेट आप तक पहुंचते रहेगा। और मैं बिहार का लगभग सारा टॉपिक कुछ ही दिनों में कवर करने वाला हूं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, क्योंकि BPSC और बिहार SSC दोनों का एग्ज़ाम लगभग अब कुछ समय नहीं रह गया है, बहुत जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? वो है समुद्रगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त से रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो वो है समुद्रगुप्त। देखिए श्रीलंका के राजा मेघवर्मन जो थे उन्होंने इन्हीं से समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी कि मुझे एक बौद्ध मठ स्थापित करना है बिहार में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है समुद्रगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? आंसर है इसका कुमारगुप्त। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन? अभी जस्ट हमने देखा कुमार गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 6 महीने, 1 साल, 3 साल या 14 महीने? आंसर है इसका 3 साल तक। चीनी यात्री फाहियान 3 साल तक पटना में पाटलिपुत्र में रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, गया से, सुल्तानगंज से, नवादा से, शाहबाद से? तो 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। देखिए शाहबाद एक जगह है, शाहबाद भी फेमस है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से भी एक मूर्ति मिली है, कार्तिकेय की मूर्ति, जो बहुत ही सुंदर और पीतल की ही मूर्ति थी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? विष्णुसेन, हरिसेन, चंद्रसेन, इनमें से कोई नहीं? देखिए प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन थे। देखिए प्रयाग प्रशस्ति में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रयाग प्रशस्ति में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का के बारे में, उनका जो विजय है उसके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है, जिसके रचयिता कौन है? हरिसेन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया 405 ईस्वी में, 435 में, 635 में, 673 में? आंसर है इसका 673 में। और चीनी यात्री इत्सिंग जो थे वो बिहार का भ्रमण किया तथा ये लगभग 10 वर्षों तक नालंदा में उन्होंने अध्ययन भी किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की? 635 में, 636 में, 673 में, 638 में? तो इसका आंसर है 635 में। वेनसांग पाटलिपुत्र की यात्रा 635 ईस्वी में की थी। देखिए और वेनसांग भी लगभग 5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया था। बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? ग्रह बर्मन, हर्षवर्धन, शशांक, राज्यवर्धन? देखिए शशांक बंगाल का एक शासक था जो बड़ा ही क्रूर था और इसी ने महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शशांक।
अगला प्रश्न है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, महिपाल। आंसर है इसका धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। देखिए प्रश्न इस टाइप से भी आ सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान के किस जिले में है, तो वो है भागलपुर में। क्वेश्चन एक ऐसे भी आ सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस वंश के द्वारा बनवाया गया, तो वो पाल वंशज के द्वारा। ठीक है, देखिए धर्मपाल जो थे वो सिर्फ विक्रमशिला विश्वविद्यालय ही नहीं, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भी, उसकी खर्च के लिए भी उन्होंने 200 गांवों को दान में दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था, गुप्तकाल, मौर्य काल, शुंग काल, पाल युग। आंसर इसका पाल युग। पाल युग में कांसे की मूर्तियों के निर्माण का एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था। देखिए और इसमें कांसे की मूर्तियों का निर्माण करने वाले दो व्यक्ति बड़ा प्रसिद्ध है, और एक हम कह सकते हैं कि इन्होंने ही कांसे की मूर्ति का निर्माण किया था, धीमन एवं बिठपाल। देखिए ये दोनों व्यक्ति जो थे ये नालंदा के निवासी थे और धीमन के पुत्र थे बिठपाल, और इन्होंने ही कांसे की मूर्तियों का निर्माण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था, मलिक हिशामुद्दीन, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर है इसका बख्तियार खिलजी। देखिए बख्तियार खिलजी के नाम से कुछ जगह भी है बिहार में, यदि आप गया से नालंदा जाएंगे तो बीच में एक जगह पड़ता है बख्तियारपुर, और उसी के ये बख्तियारपुर बख्तियार खिलजी के ही नाम पे उस जगह का पड़ा है। देखिए बख्तियार खिलजी जो था वो बिहार शरीफ में सबसे पहले उसने अपनी सत्ता स्थापित की थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बख्तियार खिलजी, तुर्क सत्ता का संस्थापक बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, बाबर, बख्तियार खिलजी। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला वही बख्तियार खिलजी ही था। अगला प्रश्न है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था, इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक या रजिया सुल्तान। आंसर है इसका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत के अधीन बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था। और देखिए प्रश्न ऐसे भी आता है कि बिहार में सर्वप्रथम सैन्य अभ्यास किसने किया था, तो वो था इल्तुतमिश ही। और इल्तुतमिश, देखिए एक और है यहाँ पे रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि प्रथम शासिका कौन थी, तो वो रजिया सुल्तान, या ऐसे भी आता है कि रजिया सुल्तान किस कलर के कपड़े पहनती थी, तो लाल कलर के कपड़े पहनती थी। और चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह का मकबरा है पटना में, मुंगेर में, दिल्ली में, सासाराम में। तो हम सबको पता है कि शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, और शेरशाह ने ही जीटी रोड का निर्माण करवाया था। देखिए शेरशाह का ओरिजिनल जो नाम था वो था फरीद खां, इसको लुहानी ने शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी। इसको शेरशाह को शेर खां की उपाधि क्यों मिला था, एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था, अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। आंसर इसका अकबर। अकबर ने ही सबसे पहले मुगल के अंदर बिहार को मिला लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। आंसर है अकबर के काल में। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था, जहांगीर, शाह आलम द्वितीय, जहांदार शाह या फर्रुखसियर। आंसर है इसका शाह आलम, सॉरी फर्रुखसियर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? आंसर है इसका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1590 में, 1575 में, 1576 में, 1572 में। आंसर इसका 1576 में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? आंसर है इसका 1733 में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको वीडियो अपडेट मिलता जाएगा और मैं बिहार से टोटल जो टॉपिक है उस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो है आधुनिक बिहार का इतिहास, जो कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री का जो पार्ट है वो आधुनिक बिहार का इतिहास, यही जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं कोशिश करूँगा कि इससे जितना बेहतर हो उतना क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाऊं, जितना बेहतर बेहतर क्वेश्चन हो वो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। सो थैंक यू।